प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो पिताजी, आज आपके शुभ प्रसंग के लिए खास एक केक का ऑर्डर भी दिए हैं। ओहो, बस अभी आता ही होगा केक। ओह माय गॉड, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू जेठा जी। आ, दया दया का आइडिया था ये। दया भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दया भाभी। बबीता, अब वक्त आ गया है तुम्हारी सरप्राइज गिफ्ट का। अरे भाई बता भाई, क्या तुम गिफ्ट देने वाले हो? सरप्राइज सरप्राइज भाई, बताइए बताइए, क्या सरप्राइज गिफ्ट भाई? बता रहे थे सोड़ के शॉप पे भाई, सरप्राइज देने वाले, सरप्राइज देने वाले। प्लीज प्लीज बताइए ना। हाँ, लाल पट्टी। बोलो, निकल निकल के एक सरप्राइज गिफ्ट में लाल पट्टी निकाली। को यह पसंद होगा तो उनकी मर्जी है, लेकिन लाल पट्टी में क्या सरप्राइज होगा? कुछ उनका अंदर अंदर कुछ होगा। बेटा लाल, यह सरप्राइज गिफ्ट नहीं है। तो क्या गिफ्ट है भाई? सरप्राइज गिफ्ट तो आ रही है। ओके, लेकिन उसके पहले बबीता को अपनी आंखों पर यह लाल पट्टी बांधनी होगी। अच्छा, इसके लिए लाल पट्टी। लाओ मदद। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीका है अय्यर भाई, वेरी गुड वेरी गुड। रुखा अंदाज एकदम सरप्राइज देने का। बांधो बांधो भाई, पट्टी बांधो। ओके, वाह, इंसाफ का तराजू। हाँ, खाली तराजू नहीं है। किसको फोन कर रहा है? क्या मालूम, कहा पहुंचा? बड़ा बड़ा गया सोसाइटी में। हाँ अय्यर, प्लीज बताओ ना, क्या सरप्राइज गिफ्ट? वेट वेट बबीता वेट, दो मिनट में तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट क्या है। वाह वाह वाह,
देखो गाड़ी की, अरे यहाँ भी देखो। अय्यर भाई बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया आपने, बहुत कमाल। क्या मस्त है ये, इधर टायर पे ऐसे मारते तो हम बचते हैं, बार बार हॉर्न बजाने के लिए बाहर आना पड़ेगा भाई। गाड़ी है ना यार, मस्त गाड़ी है। थैंक यू सो मच अय्यर, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। ओह हैप्पी हैप्पी, एकदम लाल चट्टो खिलौने जैसी कार है। हाँ बहुत अच्छी है, वेरी ट्रू है भाभी, दो सीट वाली राजा रानी की गाड़ी। कदाई रोशन सु कलर छे सु चमक छे, मैंने तो पहली बार ऐसी गाड़ी देखी है। ओह आपको हमारी एनिवर्सरी याद है ना? याद है माधवी, बिल्कुल याद है, लेकिन मैं अपनी एनिवर्सरी पे सिर्फ ये गुब्बारे भेंट दे सकता हूँ, गाड़ी नहीं। हां भलते लाड नहीं, क्या आई है तुमने, इतनी भारी गिफ्ट दिए कि हम सबकी पत्नी का दिमाग हिल गया। और रहता क्या, ऐसे कोई गिफ्ट देता समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है। अय्यर मैं तुम्हारी इस बढ़िया गिफ्ट पर तूफान एक्सप्रेस में धमाकेदार आर्टिकल लिखूंगा। थैंक यू पापड़लाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब्जेक्ट मिल गया भाई इसको। बबीता तुम्हें जानती हो ये स्पोर्ट्स कार की क्या खासियत है? क्या? ये स्पोर्ट्स कार फिल्मों में आ चुकी है। कौन सी फिल्म में आई थी ये सपोर्ट कार? अरे मम्मी सपोर्ट नहीं स्पोर्ट। वही जॉन अब्राहम ने धूम पिक्चर में इसी स्पोर्ट्स कार में बैठकर छलांग लगाई थी। क्या हो फेंक रहा है यार, और धूम पिक्चर में तो जॉन अब्राहम ने बाइक से छलांग लगाई थी। बिचारे यार भाई इतने भूले हैं, सबकी बातें मान लेते हैं। और बबीता दिल तो पागल है पिक्चर में शाहरुख खान इसी कार को चलाकर पागल हो गया था। अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, जॉन अब्राहम में शाहरुख खान इस गाड़ी में बैठे थे। ओह माय गॉड, कुड़े शाहरुख पर जॉन। और अब हम दोनों इस कार में बैठेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। अय्यर भाई आप तो बहुत लकी हो जो आपको ऐसी गाड़ी मिली है। वेरी ट्रू। अरे माधवी भाभी लकी तो बबीता है जिसको ऐसी कार अय्यर भाई ने गिफ्ट में दी है। और मैं तो कहती हूँ कि आप दोनों लकी हैं। अय्यर भाई इसलिए लकी है कि उनको गिफ्ट देने के लिए इतनी अच्छी कार मिल गई, और बबीता जी इसलिए लकी है कि उनको इतनी अच्छी कार देने वाला इतने अच्छे पति मिले। ये भी सही है। अरे लेकिन अय्यर ये तो बताओ कि इतनी अच्छी और बढ़िया कार तुमने खरीदी कहाँ से? आत्मारा ये स्पोर्ट्स कार मेरा कार रोशन सिंह सोड़ी ने दिलवाई है। क्या बात है सोड़ी प्रा। थैंक यू सो मच सोड़ी भाई। कितना कितना मां खरीदे? जेठालाल दिल से दी हुई चीज की कोई कीमत नहीं होती। ओहो इन द डायलॉग मुर्गना कहते हैं फिल्मी कार देखकर फिल्मी डायलॉग। बबीता चल सबसे पहले गाड़ी में बैठकर मंदिर चलकर पूजा करते हैं। अरे एक मिनट बबीता जी, एक मिनट। जेठालाल जब कोई जा रहा हो तो उसको टोकते नहीं है। बोलो क्या है? नहीं वो केक आ रही है ना, तो केक का कटिंग बटिंग करके फिर निकलो आप लोग। अय्यर तो फिर हम लोग केक काट के ही चलते हैं ना। थैंक यू थैंक यू। लेकिन जेठालाल केक किधर है? अरे हाँ वो अभी तक ये इसलिए बोला जल्दी उठा दे मुझे तो उठाया नहीं। सॉरी। अरे भाई मैं गोकुल धाम से बोल रहा हूँ, क्या हुआ भाई केक का? अच्छा निकल गया, ठीक है ओके 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 ओके, एक दस मिनट बस पहुँच ही रहा है। ओके क्या डाला 15 मिनट में राहु काल शुरू हो जाएगा, उसके पहले मंदिर में कार ले जाना बहुत जरूरी है। 2 मिनट बस आता ही होगा, हम लोग नहीं रुक सकते। चलो बबीता
जेठा जी प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, आप अभी मंदिर जाके आइए, फिर केक हम लोग राहु काल में काट लेंगे। हाँ, हम लोग 15 मिनट में मंदिर जाकर आते। आओ बबीता, वेलकम। बच्चों ये लोग मंदिर जा रहे हैं भाई, उतरो उतरो मंदिर जा रहे हैं लोग। अरे भाई जाने दे, एक राउंड मारने जाओ यार भाई, एक एक राउंड मारो बच्चों को, एक राउंड मारो। क्या राउंड मारो, अरे माधी महंगी गाड़ी है, कुछ हो गया तो नुकसान कौन भरेगा? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी है, तुमको भरने का नुकसान, मारना देना राउंड बच्चे लोग का। तुम तो अपने स्कूटर में बच्चे लोग को कभी राउंड मराते नहीं हो, तो गाड़ी में तो मारने दो उनका। तब तो क्या केक भी आ जाएगा ना। चलो उतरा, चलो गोगी उतरो नीचे, चलो केक काटने, केक हाँ केक काटने याद रखना। अरे 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 इनकी क्या तुम जाने की वापस। अरे हलो हलो हलो, वैसे एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये ऐसी गाड़ी पूरे पाउडर गली में किसी भी सोसाइटी में किसी के पास भी नहीं हो गया। फक्त पाउडर गली, अरे मैं तो कहती हूँ संपूर्ण गोरेगांव में ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं होगी। ओके नहीं, गुरु ने कहा जेठा अंकल केक आ गया। अरे क्या कह गई, आला आला ना लेट लेते इतना टाइम यार। अंकल केक आ गया, चलो खाते हैं। अरे ए भाई क्या केक खाता, रुक पहले यार भाई और बबीता जी को केक कटिंग बटिंग करने दे, बाद में खाएंगे ना। कोमल भाभी ओ केक भाई कितना लेट, भाई बोला था ना 10:15 बजे तक आ जाना, कितना बजा? आई एम सॉरी सर। क्या सॉरी, जिसके लिए मंगाया होता बाहर चले गए। चल आ भी जल्दी ला, कितना हुआ बोल सर? 1200 रुपए। ये लो, हाँ ये ले, थैंक यू सर। अरे ओ भाई इधर घूम के कहाँ जा रहा हो, इधर से है ना रास्ता, ये भी बारी जाता है भाई, इधर से ही निकलो सीधा। तब के पापा वो बबीता जी और अय्यर भाई आए, तब तक कोमल भाभी के घर पे केक रख दूँ? हाँ रख दो रख दो, उनका फ्रिज भी बड़ा होगा। हाँ सही बात है दया भाई, चलिए चलिए चलिए। अरे जाते हो भूख के लेके जाना जरा। हाँ हाँ सब लेके जाओ, ये करना बहुत जरूरी है। चलो फ्रेंड्स हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चलो अरे आहिस्ता टप्पू, बच्चे भी ना तो कैसे खींच के लेके जा रहा है चाचा जी को। अरे सोडी ये गाड़ी अय्यर को कितने में दिलवाई तूने? सिर्फ 4 लाख में जी। 4 लाख? 4 लाख कमाल, इतनी बढ़िया गाड़ी इतने सस्ते में कहां से मिली? अरे जेठा परा ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी से हुआ जी। क्या मतलब? अरे तुमने वो आदमी नहीं भेजा था मेरे गैराज पे? हाँ हाँ हाँ, ये गड्डी अय्यर ने उसी से ही खरीदी है, मिस्टर पीटर फर्नांडिस से। ले तो ये गाड़ी उसकी है? और कल तक उसकी थी, आज से तो अय्यर परा की है। कमाल है भाई, अय्यर के हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया। सब जैकपॉट अय्यर को ही लगते हैं। अरे भाई जब तक अभी अय्यर भाई और बबीता जी आएंगे तब तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। ओ खड़े क्यों रहेंगे, आज संडे है तो बैठ के करते हैं प्रोग्राम प्रोग्राम। हाँ सोड़ी प्रोग्राम शोग्राम करते, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला करते है। एक ही है। अरे मतलब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं।
सर्टिफिकेट की बात है, मैंने छाते से करता हूं। अरे नहीं नहीं पापा, ये क्या छाते से करता हूं, ये मेरा बेटा है भाई, मैं बैटिंग करूंगा। हां पापा ले लो, आप बैटिंग करो बस। चल चल जा फील्डिंग कर, चल 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 बातें कर यार, क्या फर्क पड़ता है। लाल जोड़े डाल, चलो जेठा ब्रो। ये लो कार का चाबी, तुम अपने हाथ से भगवान के चरणों में रखकर इनका पूजा करना। थैंक यू सो मच अय्यर। एक काम कर दे, जूता चप्पल इधर ही उतार दे। या दैट्स बेटर। हां ओके या पूजा की थाली दे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमें आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हो गया। मम्मी सब तो पहले एक काम करते हैं। हाँ? यहाँ से बांद्रा वर्ली सीलिंग पर ड्राइव के लिए चलते हैं, फिर फाइव स्टार होटल में खाना खाएंगे और वहां से हैंगिंग गार्डन। बताइए एक काम करते हैं, पहले हम लोग सोसाइटी चलते हैं, क्योंकि जेठा जी ने हमारे लिए केक मंगाया है ना, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। ओके, आज तुम जो कहोगी वो करेंगे। सो स्वीट। चलो। अय्यर, गाड़ी कहाँ गई? हमारी गाड़ी कहाँ गई? अरे, यही तो पार्क किया था। तो कहाँ गई गाड़ी? अय्यर, गाड़ी! रुक, 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 चोर! अय्यर, दे दो गाड़ी! रुक! किसी ने हमारी गाड़ी चोरी कर ली। इसे कहते हैं दो दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। वो कार जो अय्यर और बबीता की जिंदगी में खुशियों का सबब बन के आई, वो गाड़ी चुरा ली गई है। और इस चीज की तो मेरे पास कोई मिसाल भी नहीं है कि आप अपनी चप्पल चोरी से बचने के लिए कार में रखें और कार खुद चुरा ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि इन खुशियों को ग्रहण किसने लगाया, किसका शातिर दिमाग है, कौन चाहता है कि ये कार और अय्यर और बबीता के पास न रहे? क्या पता चलेगा कि ये गाड़ी कहां गई है? क्या ये पता चलेगा कि ये चोरी करने वाला कौन है? क्या ये पता चलेगा कि अय्यर साहब, जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी में इतनी तारीफें पाई, जो पति नंबर वन बन चुके थे गाड़ी देने के बाद, क्या फिर से जीरो बन जाएंगे? अभी सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये कार गई कहां, ये कार किसने चुराई, आखिर इसके पीछे शातिर दिमाग किसका? इन तमाम सवालों के जवाब बहुत सारे ठहाकों के साथ, क्योंकि इतने हंगामे होने वाले हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ठहाक नहीं थमेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कार गई कहां।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.